हैं डॉक्टर आसिया तबसुम, ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक से। हमारे साथ एक पेशेंट है आज, मिसिस रजिंदर कौर बेदी, जिनकी एज 64 ईयर है। हम उनसे बात करते हैं, वो हमारे पास आए थे, उनकी क्या प्रॉब्लम थी और अब उनको कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट के बाद। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी आंटी, आप बताइए कि जब आप यहाँ आए थे तो आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी, आप क्या प्रॉब्लम्स लेके ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक में आए थे? स्पाइन की प्रॉब्लम थी मुझे। हाँ जी। तो कैप कम हो गया था एक्सरे करवाने से, खड़ा होने से चक्कर आते थे जी, लेग्स में बहुत पेन होती थी, रात को नींद नहीं आती थी, ये सब प्रॉब्लम्स थी जी। बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे, मतलब इवन आफ्टर 10-15 मिनट्स के बाद लेग्स कांपने लग जाती थी मेरी, खड़ा होने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है जी। जब आप आए थे यहाँ पे तो जब आपकी कंसल्टेशन हुई थी, मतलब जब आपको डॉक्टर परनीत कौर बेदी उन्होंने देखा था जो जी यहाँ पे सीनियर है हमारे, तो जब आपने कंसल्टेशन ली थी तब आपको कैसा फील हुआ था? क्योंकि इससे पहले भी आप गए होंगे और भी कहीं जगहों पे गए होंगे या कहीं कंसल्टेशन लिए हुए, तो यहाँ क्या कैसा लगा आपको कि पहली कंसल्टेशन जब हुई आपकी तो क्या लगा आपको? आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद डॉक्टर परनीत, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बताया उसमें मुझे रियलिटी लगी और मुझे लगा कि वो पेन लेंगी और मेरे को यहाँ आके रिलीफ मिलेगा, तो इसलिए हमने ज्वाइन किया सेम डे से, क्योंकि मन को तसल्ली मिली थी, जो जो मुझे प्रॉब्लम्स थी बिना बताए उन्होंने जज कर ली थी कि आपको ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे पेन है, वहाँ पे पेन है, तो वो सब देख के आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है जी। जब आपका पहला सेशन हुआ ट्रीटमेंट का, मतलब सेम डे आपका सेशन ट्रीटमेंट का स्टार्ट हुआ था फिजियोथेरेपी का जी, तो जब आपने वो सेशन लिया तो आपको कैसा लगा? जब आपने पहला सेशन लिया तो उसके बाद वो कैसा लगा कि क्या लगा आपको ट्रीटमेंट में? इट इज़ वेरी पेनफुल, बट आई थिंक कुछ पाने के लिए कुछ तो सहना पड़ेगा जी। तो आई विल कंटिन्यू, डिटरमिन किया कि नहीं पेन को सहना है और आना है, और डे बाई डे आफ्टर 10 डेज आई गेट वेरी रिलीफ, तो काफ़ी आराम मिला मुझे, तो उसके बाद लगा कि नहीं जब तक पेन है तब तक हमें कंटिन्यू करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जब तक वो कहती है आई विल कंटिन्यू जी। जैसे कि आपने यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, जो भी आपका प्रोटोकॉल चल रहा था, आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मतलब आपके बेड के साइड दूसरे साइड वो भी होते हैं, या आपने देखा होगा ट्रीटमेंट एरिया में और भी पेशेंट, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी एक्सरसाइजेज या किसी और की एक्सरसाइजेज बिल्कुल सेम है, कि उनको भी वही करा रहे हैं आपको भी वही करा रहे हैं? ऐसा नहीं है, कुछ एक्सरसाइजेज सेम है लेकिन सारे सेम नहीं है जी, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है किसको क्या प्रॉब्लम है, किसी को लेग्स की प्रॉब्लम है, किसी को आर्म्स की प्रॉब्लम है, शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंग टू डेट दे गिव अस एक्सरसाइजेस। ठीक है। तो आपने कहीं और से पहले करवाया कोई फिजियोथेरेपी? नहीं, फिजियोथेरेपी मैंने नहीं कराया, बस डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपका एच बी कम है तो स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सरे किया, बस डायग्नोज हुआ तो उसके बाद हमें, मतलब मेरी बेटी ने बताया ऑनलाइन देख के और किसी ने रेफर भी किया था, तो हम लोग सीधा यहीं पे आ गए। ठीक है। आपने कभी मतलब इससे पहले मतलब फिजियोथेरेपी के बारे में क्या सुना था आपने, मतलब क्या था आपके में, मतलब परसेप्शन क्या थी कि फिजियोथेरेपी क्या है? नहीं, इतना पता था कि फिजियोथेरेपी से अगर कुछ भी मतलब आपका काम नहीं कर रहा है या फिक्स हो गया, जैसे फ्रोजन हो गया है, तो वो काम करना शुरू हो जाता है। एक्चुअली मेरे आम में फ्रैक्चर हुआ था कोहनी पे, तो उसके बाद प्लास्टर उतरने के बाद मेरी बाजू काम नहीं करती थी, तब मैंने बाजू की करवाई थी सिर्फ उसी पर्पस के लिए, तो 15-20 डेज में ठीक हो गई थी। बट यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस लगा, मतलब यहाँ पे आपकी जो मैनुअल थेरेपी हुई जो कि आप बोल रहे हो कि बहुत पेनफुल रहा, तो हर पेशेंट यही कहता है, मतलब क्या डिफरेंस रहा कि इससे पहले आपने कभी वो करवाई थी मैनुअल थेरेपी? मैनुअल थेरेपी नहीं हुई थी इससे पहले मेरी, सिर्फ वो मशीन से करंट वगैरह देते थे, चीट देते थे और थोड़ी सी एक्सरसाइज मतलब बैंड वगैरह करवाते थे बाजू को, लेकिन मैनुअली नहीं किया था उन्होंने, डॉक्टर थे कोई जी, तो मैनुअली नहीं किया था। ठीक है। अभी देखो आपके आज लगभग 25 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं जी, 25 सेशन टू 1 मंथ, अब आपको कैसा लग रहा है, आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेटर है, काफ़ी आराम मिल रहा है, तो होपफुली कि दोबारा नहीं हो बस यही होप करते हैं। ठीक है। अभी आप ये बताइए कि आप मैसेज क्या देना चाहते हो बाकियों को रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी, जिनको ये लगता है कि शायद जाएं और बस वहाँ पे मशीन का भी अपना रोल होता है, अपनी इम्पोर्टेंस होती है हर एक थेरेपी का, बट यहाँ जो यहाँ इस क्लिनिक में आपने देखा, जो आपको फील हुआ कि यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा है, तो आप बाकी उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेटर है पेन किलर लेने से,
या कोई दूसरी मेडिसिन लेने से, फिजियोथेरेपी कराने से थोड़ी देर के लिए पेन होती है, लेकिन ये परमानेंट रिलीफ मिलेगा। और पेन किलर तो फिर लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी और उनका साइड इफेक्ट भी होगा, तो आई प्रेफर फिजियोथेरेपी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।